और आज हमारे साथ अमरजीत, यानी नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि पूरे देश के लिए अब ये गाना गा रहे हैं, यानी बॉलीवुड में अपना जगह बना चुके हैं। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था, उसके बाद से इन्हें हिमेश ने शमिया ने ले लिया और आज ये गाना गा रहे हैं। अमरजीत हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमरजीत। आज वो दिन और आज कैसा लग रहा है कि जब आप ब्रश करते हुए गाना गा रहे थे, वायरल हो गए थे, और आज आप इस स्थान पर हैं, क्या कहेंगे? मैं जैसा कि सर आपको बता दूं कि आपने सिर्फ मुझे ब्रश करते हुए गाना सुना है, उससे पहले अगर 5 साल 6 साल पुराना अगर वीडियोस देखिएगा ना तो मेरा वो स्ट्रगल आपको दिख जाएगा। तो वो मैं मेरा डेली का काम था, ब्रश करके हो या खेतों में गाना हो, अपना प्रैक्टिस करके वो वीडियो मेरा डालना था। तो वो एकाएक वायरल नहीं होता, इससे पहले मेरा वीडियो वायरल था और ये वीडियो सोनू सूद सर के पास पहुंचा और बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा, समीर अभास सर के पास पहुंचा और वीडियो वायरल हो। कभी ऐसा लगा कि आप इतना ऊँचा देश के लिए गाएंगे, बॉलीवुड में गाएंगे? सर ये सपना था मेरा, अगर मेरा कोई और सपना रहता तो शायद मैं कोई और इंडस्ट्री में चला जाता, लेकिन जो मेरा सपना था मैं बस वो पटरी पे अभी अपना कदम रख दिया हूँ। अच्छा, कैसे कैसे क्या हो गया था, मतलब अचानक से वायरल हो गए वहाँ तक पहुँचे? जब हिमेश रेशमिया से मिले तो कैसा लगा? हिमेश रेशमिया सर की मैं क्या बात करूँ उनका, सबसे पहले तो सोनू सूद सर उनके पास मैं गया, उनके वजह से मेरा नाम एक बना है, जो अमरजीत जयकर है ने गांव से उठ के जो शहर में गया है, सपनों की माया नगरी के शहर में गया है, तो वहाँ सोनू सूद सर के वजह से ही मेरा हुआ। हम इंडियन आइडल सेट पे गए थे तो वहाँ ही मेरे सर उन्होंने बोला मुझे कि मैं तुम्हें गाना देता हूँ। कैसा होता है ना कि कोई एकाएक वायरल होता है, आप उसको बोलिएगा कि ये गाना गा के बताओ, वो नहीं गा पाता है, मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि वो गाना नहीं गा पाएगा, होता है कि मैं रट्टा मार के चला गया हूँ, वो कोई नया गाना दिया मैं नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझे गवाया और वो मतलब मैं गा दिया। उन्होंने बोला अगर तुम गा दिए तो गाना तुम्हारा, तो मैंने पूरा हिम्मत लगा के गाया क्योंकि मुझे बस एक मौके की तलाश थी और मौका को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मौका मिला मैंने, मैं रोज़ सुनता हूँ आपके गाने, क्योंकि जो अभी आपने हिमेश रेशमिया का जो गाने गाया जी जी और बहुत वायरल हो रहा है, और आप एक छोटे से ज़िला से हैं, पूरा देश में आपको लोग अब जान रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहें? वो तो हमारे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों का प्यार है, जो इस छोटे से बच्चे को आप लोग अपना बेटा भाई कुछ भी बना के इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी खुशी होती है कि हमारा बिहार का लड़का इतना बड़ा नाम रोशन कर रहा है। हमारे भी ज़िला के जो हैं कई ऐसे कलाकार हैं जो बड़े स्थान पर हैं। जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बताइए क्या कहेंगे बिहार के लिए? लव यू बिहार, लव यू इंडिया, मैं तो इतना ही बोलूँगा। अगर इंडिया के लिए मुझे अगर कुछ काम अगर मेरी अगर ज़रूरत हो तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आज थावे मंदिर पर आए हैं, प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आप अपना प्रस्तुति देंगे, क्या कहेंगे इस गोपालगंज जिला के लोगों के लिए, क्या कहेंगे? पहली बार आना होगा? जी पहली बार हम आए हैं गोपालगंज में और इन लोगों का शायद मुझे बहुत प्यार मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस करूँगा तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। और थावे मंदिर में यहाँ आऊँ, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखे और मैं अच्छा अच्छा और भी काम करते रहूँ। अच्छा, माता पिता क्या करते थे? पापा बारबर का शॉप था, पापा का बारबर का शॉप था, तो वही से काम करते थे और वही से मेरा पालन पोषण हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद।